सब्सक्राइब एंड लाइक डिजिटल खबरें फॉर मोर अपडेट्स। नहीं, अभी राज्य में 105 नगर पंचायत के चुनाव लगे हैं और भंडारा गोंदिया की जिला परिषद पंचायत के इलेक्शन लगे हुए हैं। ये चुनाव के जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये सब उम्मीदवार, उनके इस पर डिस्कशन हुआ और पूरे ताकत के साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी के जो बयान थे उसको लेकर के भी पार्टी के नेता सब मिले, तो क्या उस पर भी एक सहमति बनी कि कांग्रेस को किस तरीके से आगे जाना चाहिए? अगर इस तरीके, देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में हमने विश्लेषण किया है कि जो बीजेपी जो देश में सरकार में बैठी हुई है वो देश को बेच रही है, देश को चाइना के कब्जे में दे रही है, और ऐसे समय में जो भी स्टेट दल हो, राज्य के दल हो, उनके नेताओं ने बेचने वालों के साथ रहना है कि देश को बचाने वाले के साथ रहना है, ये उन्हें डिसाइड करना है। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता आज़ादी की वो लड़ाई आज भी नहीं भूले, आज़ादी के बाद देश को जिस तरह से कांग्रेस ने खड़ा किया वो भी देश की जनता नहीं भूली है, और कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, देश को पारतंत्र में नहीं जाने देंगे और देश को बेचने नहीं देंगे, और हमारे नेता राहुल जी, हमारी नेता प्रियंका जी रास्ते पे जाके लड़ाई लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है, और पूरे कांग्रेस के और देश की जनता भी कांग्रेस के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ खड़ी होती है। बराबर है, जेपी नड्डा जी ने बहुत अच्छा से कहा है, क्योंकि अब संघ परिवार जो है वो देश के राजकारण से समाप्त होने जा रहा है, और देश ने अब तय कर लिया है कि इस संघ परिवार को अब देश के राजकारण में कोई उपयोग नहीं। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के सामने विधानसभा है, आपके पद छोड़ने के बाद से अब तक कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष नहीं दे पाई। देखो, आपने देखा होगा कि जो सेशन हुआ है कोरोना के समय हुआ है, तो एक दो दिन में सेशन खत्म हो चुके हैं, और इसकी प्रोसेस 3 दिन की होती है, और 3 दिन के प्रोसेस का सेशन अब होने जा रहा है। 21 दिसंबर से वो सेशन की शुरुआत हो रही है। पहले ही हफ्ते में अध्यक्ष जी का जो हमारे स्पीकर का जो चुनाव होगा वो पहले ही हफ्ते में उसका प्रोग्राम डिक्लेयर होगा, और कांग्रेस का ही स्पीकर महाराष्ट्र विधानसभा में बनेगा। नाम तो समय पे होता है, अभी से तय नहीं होता है। मराठी सांगा की आपको कहीं ना कहीं बिजनेस महाराष्ट्र से गुजरात जाने की बात किस तरह देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें और बीजेपी का कई चीज़ें गुजरात से जाती। देखो, केंद्र की सरकार ने एक नया नियम बनाया, उसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात में जो केंद्र सरकार की जो सब्सिडीज मिलती है वो स्टेट में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में वो सब्सिडीज नहीं दे रहे हैं। इससे राज्य के उद्योग उत्तर प्रदेश और गुजरात में कैसे जाए, इसके ऊपर पूरा प्लान केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने में पूरे देश में उद्योग आना चाहिए, और उसके लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने में सब्सिडी उद्योगों के लिए देती है, और केंद्र सरकार इस तरह की महाराष्ट्र से, अगर महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की यहाँ सरकार है और यहाँ के उद्योग गुजरात और उत्तर प्रदेश में जाए, इस तरह की भूमिका लेकर अगर काम करती है तो ये संविधानिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा धोखा है। सर, जिन्होंने अपने ही मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगा 100 करोड़ का, अब उनको बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया, वहीं जिस भी इस कार्रवाई को किस तरह देख रहे हैं आप? सर, देखो, ये कार्रवाई तो हमने शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस की तरफ से हमने इसकी भूमिका रखी थी। जिस परमवीर सिंह के कार्यालय से, जहाँ पे पुलिस कमिश्नर मुंबई के थे, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज गायब होते हैं, तो इसका मतलब ही परमवीर सिंह ये सब घटना का एक्यूज था, यही उसमें गुनहगार था, और उसी समय उसको सस्पेंड किया जाना था, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा देना था। लेकिन सरकार ने देर से सही लेकिन कार्रवाई की शुरू की है, लेकिन एक भूमिका स्पष्ट है कि हमारे राज्य के IAS और IPS अधिकारी की केंद्र सरकार उनका कोई कमजोरी का फायदा लेकर उनका उपयोग महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए कर रही है, और उनके इशारे पे IAS और IPS अधिकारी काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट हो चुका है।